एवरीवन, मैं हूं रितु मिर्चल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नरेश जिसने मुझे मेल किया है कि मैम पहले मैं ऐसी नहीं थी, पहले मेरी जो फिगर था वो थोड़ा बहुत एवरेज था, नॉर्मल था, बट जॉब करने के बाद मेरी जो तुन है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, वेट भी थोड़ा बहुत बढ़ गया है और जिसकी वजह से मुझे अपना साइज़ जो है वो छोटा दिखने लगा है और इसकी वजह से भी मैं ओवर वेट की वजह से थोड़ा बहुत तुन बढ़ने की वजह से ना मैं अपने वाइफ के साथ उस लेवल पे अब रिलेशन नहीं बना पाता जिस लेवल पे पहले बनाता था। पहली बात तो मुझे बहुत दिक्कतें होता है और दूसरी बात कि मुझे पता नहीं है कि मैं क्या करूं, बिकॉज डाइट वाइट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मैं हमेशा ऑफिस में रहता हूं और मेरी लाइफस्टाइल ही बिल्कुल अलग है, तो आप बताइए मैं क्या करूं। देखिए सर, मैं आपको एक बात बताऊं, डाइट करना आपके लिए भी क्या, मेरे लिए ही बहुत मुश्किल हो जाता है बिकॉज यूट्यूब में ही मेरा 14-15 घंटा निकल जाता है। और दूसरी बात ये होती है, मेरा छोटा सा बच्चा है, घर परिवार है, अपना बिजनेस है, घर का फैमिली बिजनेस है, हर चीज़ में मैं इन्वॉल्व हूँ, इसी वजह से मुझे भी टाइम नहीं मिलता। बट यस, थोड़ा बहुत वर्कआउट, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह, थोड़ा बहुत अपने खान पीन का ध्यान मैं भी रखती हूँ, इसी वजह से भगवान की कृपा से अभी तक ना तो मेरी उतनी तुन है ना मैं बहुत ज़्यादा मोटी हूँ, जो भी हो, बट इस चीज़ से मैं बाहर कैसे आऊँ और ये मेरे साइज़ को छोटा क्यों कर रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, ये एक मिथ है कि आपके तुन की वजह से आपका साइज़ छोटा हो रहा है। यस, साइज़ छोटा होता है, क्यों होता है, बिकॉज जब आपका बहुत ज़्यादा पेट बाहर की तरफ निकल आता है ना, तो आपके पेल्विक फ्लोर मसल के आसपास भी बहुत ज़्यादा चर्बी फैट स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो आपके प्राइवेट पार्ट के ऊपर के जो मसल एरिया है ना वो बाहर की तरफ बढ़ना शुरू होता है। मान लीजिए ये आपका साइज़ है और ये आपका पैर, मैं बात करूँ, अगर यहाँ की चर्बी यहाँ तक आ जाए तो डेफिनेटली आपका साइज़ जो है ना वो छोटा दिखेगा। बात यह है कि आपका साइज़ छोटा नहीं हुआ बट जो फैट है ना वो बाहर की तरफ बढ़ गया, जिसकी वजह से आपका जो प्राइवेट पार्ट है वो अंदर की तरफ चला गया, ऐसा आपको लग रहा है, और इसी वजह से भी आप प्रॉपरली इंसर्ट नहीं कर पाते बिकॉज वो फैट आपको बहुत बार अपनी रुकावट पैदा करता है। जब आप मिशनरी पोजिशन में जब आप रिलेशनशिप बनाते हो सकता है कि आपकी वाइफ भी थोड़ी हेल्दी हो तो वहाँ पर भी अटक जाता है, तो आप पोजिशंस को ट्राई करो। यानी कि अगर आप नहीं चाहते कि आपका जो पेट है वो आपको बहुत बॉदर करता है, तो आप नहीं चाहते वो, तो आप डॉगी स्टाइल को अटेम्प्ट करो, आप स्टैंडिंग पोजीशन को अटेम्प्ट करो, टेबल ऑन टॉप पोजीशन को अटेम्प्ट करो, या फिर गर्ल ऑन टॉप। अगर आपकी फीमेल पार्टनर लेजी नहीं हुआ तो आप अपने फीमेल पार्टनर को भी बोल सकते हो कि आपके ऊपर, यानी गर्ल ऑन टॉप जो काउ गर्ल टॉप पोजीशन है उसको आप ट्राई करने के लिए बोल सकते हो। मिशनरी पोजीशन को आप अवॉइड करो, जो कि बहुत कॉमन पोजीशन है उसको अवॉइड करो, जहाँ पे एक मेल पार्टनर जो है ऊपर रहता है, फीमेल पार्टनर नीचे रहती है, उसको मिशनरी पोजीशन कहा जाता है, जो कि 100% कॉमन होता है, उसको आप अवॉइड करो बिकॉज इससे आपको दिक्कत हो सकता है। आप डॉगी स्टाइल ट्राई कर सकते हो, स्टैंडिंग पोजीशन ट्राई कर सकते हो, या फिर मैंने पहले कहा टेबल ऑन टॉप, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप अपने वाइफ को बिठा के फिर इंसर्ट कर सकते हो। तो ये पोजीशंस जो है वो आपके पेट के तुन में आपको बॉदर नहीं करेगा। अदरवाइज अगर आप सीरियस बेस पे चाहते हो कि अपने तुन को कम करना, तो सुबह सुबह उठो भाई, एक नींबू लो, थोड़ा सा हनी लो, गर्म पानी के साथ ढटाक से पी जाओ। शुरू शुरू में आपको बहुत आलसीपन लगेगा, आपको लगेगा कि कोई काम नहीं हो रहा है, बट आई एम 100% श्योर विद इन फ्यू मंथ, 3-4 महीने में भी आपको इफेक्ट दिखना शुरू हो, बिकॉज अगर आपकी सिटिंग जॉब है ना तो उससे भी आपका तुन बाहर आता है, वो आपके इरेक्शन को बहुत इफेक्ट कर सकता है। तो आप अगर सिटिंग जॉब में हो तो आप थोड़ा बहुत इधर उधर टहलना शुरू कर दो, कंटिन्यूसली बैठे मत रहो। और अगर आप पर्सनली चाहते हो कि मैं आपको कोई प्रोडक्ट सजेस्ट करूँ, तो आप नेचर श्योर का ये जो अग्नि मंथा वेट लॉस है इसको आप ट्राई कर सकते हो। और मैं आपको पर्सनली बताऊँ, ये मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ। सुबह खाने से पहले 2 कैप्सूल लेना है और रात को खाने से पहले 2 कैप्सूल लेनी है। अगर आप इसको कुछ महीने तक फॉलोअप करते हो, आप खुद नोटिस करोगे आपकी जो पेट की तुन है, इवन आपकी पूरे बॉडी की जो चर्बी है वो धीरे धीरे थोड़ी कम होती रहेगी, बिकॉज इसमें जो इन्ग्रीडियंट्स है, इसमें अग्निमंथा है और इसमें शिलाजीत है। अग्निमंथा की जो क्वान्टिटी है वो, और शिलाजीत जो है क्वान्टिटी है, ये दोनों ही हम जानते हैं, शिलाजीत जो है वो हमारे बॉडी में गर्मा हट को पैदा करता है और वो हमारे वेट लॉस को बहुत इनिशियल स्टेज पे काम करता है, और अग्निमंथा तो वेट लॉस में रामबाण उपाय है। तो आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने पहले कहा सुबह खाने से पहले 2 कैप्सूल, रात को खाने से पहले 2 कैप्सूल आपको लेनी है। सिर्फ कुछ महीने इसको आपको इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ ना आप राइस खाना थोड़ा सा अवॉइड करो, जितना कम हो सके खाओ, लाइट फूड खाओ, तो आप खुद देखोगे आपकी जो पेट की चर्बी है जिसको लेकर आप इतना बॉदर हो, जिसकी वजह से आप इंटरकोर्स नहीं कर पाते, आपको दिक्कतें हो रही है, आपकी शर्ट वगैरह बहुत टाइट हो रहा है, बटन आप नहीं बंद कर पाते, पैंट
पैंट वगैरह बहुत टाइट अप हो रहा है, वो पुराने कपड़े भी आप ज़रूर पहन पाओगे कुछ महीने में, बस आपको इसका इस्तेमाल करना है। और मैंने पहले कहा ये इफ़ेक्टिव है बिकॉज़ इसको मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ, ये मेन और वुमेन दोनों के लिए हैं, आप भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप चाहो कि आपकी वाइफ भी इस्तेमाल करे, आप उनको भी रिकमेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है बिकॉज ये ट्रस्टेड ब्रांड है नेचर श्योर का, विच इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम वेट एंड ड्राई कंपनी, सो आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो। ये 100% नेचुरल हर्बल प्रोडक्ट है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये जीएमपी सर्टिफाइड है, आईएसओ सर्टिफाइड है, एंड यस अगर आप प्रेग्नेंट हो तो इसका इस्तेमाल बिल्कुल मत करें, अदरवाइज कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इसका ऑर्डर कर सकते हो। और अगर आप नेचुरल तरीके से चाहते हो कि अपने पेट के चर्बी को थोड़ा सा कम करना, तो मैंने पहले कहा नींबू हनी और गर्म पानी सुबह घटाक से पी जाओ, 5-6 महीने लग जाएंगे, बट यस धीरे धीरे आपकी चर्बी जो है वो कम होगी। कंस्टेंट बैठे मत रहो, थोड़ा सा आप इधर उधर करते रहो। एंड एक बात मैं आपको ज़रूर बताओ, लाइट खाना खाओ। अगर आप बैठे रहते हो ज़्यादा तो आपको डाइजेस्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। फ्रूट पे ज़्यादा स्विच करो, जूसेस पे स्विच करो, भारी खाना बिल्कुल मत खाओ। मैं तो बंगाली हूँ ना, मैं जानती हूँ कि चावल लोग बहुत खाते हैं, चावल को अवॉइड करो। मैंने खुद 2 टाइम पे रोटी ले ली है और सिर्फ 1 टाइम पे मैं चावल लेती हूँ, और वो भी थोड़ा सा एकदम, ताकि एटलीस्ट और कोई भी हो मैं तंदुरुस्त। मैंने पहले कहा 14 घंटे मेरे चले जाते हैं यूट्यूब पे, तो पूरा दिन मुझे सोने का टाइम नहीं मिलता, सिर्फ रात को सोती हूँ, वो भी 6 से 7 घंटे। तो वैसे 5 घंटे एक इंसान के लिए सफिशियंट होता है अगर वो गहरी नींद हो, पर फिर भी मैं 6-7 घंटे सो ही लेती हूँ, 8 घंटे भी सो लेती हूँ, बट डिपेंड करता है कि आप कितना एनर्जेटिक हो। तो अगर आप चाहते हो कि विदाउट एनी हार्ड वर्क आप अपने तुन को और वेट को थोड़ा लॉस करना, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अदरवाइज बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं एज लाइक अब ड्राई फ्रूट्स लो, इससे आपको खाने की क्रेविंग नहीं होगी और आप ज़्यादा भर भर के नहीं खाओगे। जूसेस वगैरह लेते रहो, पानी भर के पियो, और मैंने पहले कहा कि अलग अलग पोजीशंस को ट्राई करो। मिशनरी पोजीशन को कभी ट्राई मत करना, वो आपको बहुत बॉदर करेगा। आप स्टैंडिंग पोजीशन, डॉगी स्टाइल, गर्ल ऑन टॉप और टेबल ऑन टॉप पोजीशंस को ज़रूर ट्राई करो। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा भी मोटिवेशन मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।